हम खुदा बाप बेटे और रूह-ए-कुद्दस का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें ये मौका फराहम किया कि हम सब यहाँ एक ख़ानदानी सूरत में जमा हुए हैं। और उसके बाद हम डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में शमूलियत की। इसी रजाई पार्टी में जो हम दे रहे हैं अपने इंचार्ज को, अपने बड़े भाई को, अपने उस्ताद को, इन सब बातों के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। और उसके बाद मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं 94 में आया ट्रेनिंग में, 95 में मैंने ट्रेनिंग जो है यहाँ से कम्प्लीट की, उनके जरिए से आया। 95 तक एक साल जो मैंने गुजारा था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इनके क्लोज रहा, इनके साथ कालें की और इनसे काम सीखा। और आपको ये मैं एक गवाही के तौर पर बताना चाहता हूँ कि जो इनसे मैंने काम सीखा था वो आज बाहर निकल कर मैं काम कर रहा हूँ तो वहाँ पर मेरे शागिर्द कितने हो गए, वो इनकी बदौलत हुए हैं। मैं माइक्रोस्कोपी में जब भी कोई चीज़ निकालता हूँ, जब भी कोई चीज़ देखता हूँ तो स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ तो वो मुझे ये कहते हैं सर आपने कहाँ से सीखा है। तो फिर मैं इनका नाम लेता हूँ कि मैंने एक साल अपने उस्ताद की खिदमत की थी और मैं अपना सब कुछ भूल के तो जब वो कॉल पर जाते थे उनके साथ जाता था। बेशक हमारे चार दूसरे थे लेकिन हम इनके पीछे लग के काम सीखते थे। और उस काम का सीखने का नतीजा आज ये कि अब जब मैं इधर से निकल कर बाहर काम कर रहा हूँ तो मेरे बेशुमार शागिर्द हो गए। वो हुए किस लिए हैं कि इनसे जो काम सीखा था उसकी वजह से, और उस काम को सीखने की वजह जो थी वो ये थे। और ये क्यों थे? क्योंकि ये लगन से, मेहनत से और अपने बच्चे समझ के हमें काम सिखाते थे। वो मैं समझता हूँ हम बाहर निकल के कामयाब हैं तो इनके सिखाने की भी दौलत है। और खुदा इनको बरकत दे, जितने साल हमने इकट्ठे गुजारे उसमें भी बड़ा कुछ सीखा। और बिलखसूस मैं जब खिदमत में आया, यानी कि मैंने सेमिनरीज की और चर्च की खिदमत में आया, तो उसमें मैंने इनसे बहुत सारी गाइडलाइन जो सीखी। पहले मैं जज्बाती भी हो जाता था चर्च के वाले से भी, वैसे भी अग्रेसिव हो जाना किसी बात पर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पीछे बैक पे थे, आहिस्ता आहिस्ता करते रहे, ट्रेनिंग करते रहे। और एक मुकाम अब ऐसा ट्रेनिंग का आ गया था कि अब इस काबिल में था कि मैं बाहर निकल सकता। और इनकी कावश और इनकी जो डांटे थी, इनके जो समझाना था, वो आज मुझे बाहर निकल कर दुनिया में काम आ रहा है। और हम सर जी आपकी इन सारी कावशों को क्या करें, क्योंकि वक्त की नज़ाकत ऐसी है कि हम एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। हमारा एक ख़ानदान था, हमारा एक फैमिली थी लेबॉर्ट्री, हमारा हॉस्पिटल एक ख़ानदान था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए, कुछ वाक़ात ऐसे हो गए, कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं, हम एक दूसरे से जुदा हुए। लेकिन यकीन जाने कि मैं आपको ये बताऊं कि बाहर निकल कर काम करना बड़ा मुश्किल है। हम यहाँ काम करते थे तो हमें अपना घर वाला माहौल लगता था कि हम अपने घर में काम कर रहे हैं, जैसे बंदा अपने किचन में काम करता है या अपने घर में काम करता है। बाहर निकल के काम करना बड़ा मुश्किल है। बाहर निकल के काम करने के लिए आपको यहाँ से यहाँ आना पड़ता है, फिर आप कामयाब हैं। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि अपने ख़ानदान में रह के सर के जेर साया जो हमने काम सीखा है, अब हम बाहर निकल के मार नहीं खाते, हम लोगों को सिखाते हैं, लोग हमसे सीखते हैं, उठना बैठना बोलना चलना। लोग मुझे ये कहते हैं यार आप पूरे परफेक्ट हैं हर बात में, जिस बात में भी आप बात करते हैं उसमें आप कंप्लीट हैं। मैंने कहा ये हमारे पीछे उस्ताद थे, मैं अपनी माँ की पेट से नहीं सीखा है, मैंने सीखा है और मैंने अपने बड़ों से सीखा। और मैंने 17-18 साल अपने उस्ताद के अंडर रहकर जो चीज़ें सीखी हैं वो मुझे अब कामयाब कर रही हैं बाहर निकल के भी, और बाहर इज्जत है। और ये सर जी आपकी भी दौलत है, आपके सहम रहे, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपकी फैमिली को बरकत दे। मेरी दुआ है कि बाकी जो ज़िंदगी आपकी बाहर गुजरे उसमें खुदा आपको ढेरों बरकतों से मालामाल करे। आमीन।